कवाची की ये सिंगल डोर पोर्टेबल अलमीरा। जनरली जब हमें कहीं भी जाना होता है तो हमें सही वक्त पे कभी भी कोई सही चीज नहीं मिलती है। कभी हमें हमारी एसेसरीज नहीं मिलती है, तो कभी मैचिंग दुपट्टा नहीं मिलता, कभी आपको अपना मैचिंग सूट नहीं मिलता है, सूट मिल गया है तो सलवार नहीं मिलती है। तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कवाची की ये सिंगल डोर पोर्टेबल अलमीरा। कवाची सिंगल डोर पोर्टेबल क्वालिटी वार्डरोब ड्यूरेबल फैब्रिक कवर के साथ असेंबल और डिसमेंटल करने में आसान, पोर्टेबल, ड्यूरेबल, लार्ज हैंगिंग स्पेस, सेव एंड ऑर्गेनाइज योर पर्सनल ब्रांडेड क्लॉथ्स। कवाची पोर्टेबल क्वालिटी वार्डरोब। कवाची की ये सिंगल डोर पोर्टेबल अलमीरा असेंबल करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं इसके साथ 25 रॉड्स दी गई हैं। एक नंबर की 4 पाइप्स, 2 नंबर की 6 पाइप, 3 नंबर की 6 पाइप, 4 नंबर की 4 पाइप, 5 नंबर की 4 पाइप और 7 नंबर की 1 पाइप। पहले हम 2 नंबर की 1 पाइप लेंगे और एक बेस पीट लेंगे और उसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद हम एक 3 नंबर की पाइप लेंगे और उसको इस तरीके से अटैच करेंगे। अब हम इसके चारों तरफ ये 1 नंबर की पाइप यहाँ पे अटैच करेंगे और इसका जो टी जॉइंट हमें मिला है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारे डॉट्स पे नंबर दिए हुए हैं और आपके बॉक्स के पीछे पूरी डिटेल्स दी हुई है। अब इसके बाद जो 5 नंबर की पाइप है हम यहाँ पे अटैच करेंगे और अब हमारे पास ये जो टी जॉइंट्स हैं हम इनको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे जो होल है ये ऊपर की तरफ आए ताकि हम यहाँ पे जब अटैच करें ऊपर से कुछ हमें प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम लेंगे 3 नंबर की जो रॉड्स हैं हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे लाइक दिस। और उसके बाद हम ये 2 नंबर की 2 पाइप लेंगे और फिर हम लेंगे हमारे पास ये जो रेटरी क्लॉथ है, अब ये जो 2 नंबर की पाइप है इसको हम इस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। अब हम इजीली अटैच कर सकते हैं ये, और फिर दूसरे पाइप को भी इसी तरीके से हम यहाँ पे इसमें अटैच कर देंगे इस सी। तो आपका शेल्फ रेडी है। अब इसके बाद जो 7 नंबर की रॉड हमारे पास है तो हम इन हुक्स को इसमें अटैच करेंगे। इसको यहाँ से प्रेस करके फिर इसको इस शेल्फ के नीचे से हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप इजीली हैंग कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर की रॉड्स को इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। और जो हमारे पास ये टी जॉइंट्स है हम इन टी जॉइंट्स को यहाँ पे अटैच कर देंगे। जब आप कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हो इतनी थकान हो जाती है और इतनी ज्यादा टेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स रियली इजी टू अटैच। और फिर उसके बाद जो ये 2 नंबर की पाइप्स हैं उसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब इसका जो आउटर कवर है हम इसको इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये अंदर से बहुत ही स्पेशियस है, ये आपके रूम में बहुत ही कम जगह लेती है, अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा सा स्पेस दिया हुआ और नीचे हैंगर दिया हुआ है, कोई शर्ट्स हैं जिनकी क्रीज खराब ना हो तो उनको आप यहाँ पर हैंग कर सकती हैं, या फिर आपकी साड़ीज, आपके सूट, आपके गाउन, आप इजिली यहाँ पर उन्हें हैंग कर सकते हैं। और जब भी आपको कहीं जाना है बस आपको अपने गार्मेंट्स निकालने हैं एंड यू आर रेडी टू गो एनीवेयर। यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है अपने बच्चों के कपड़े रख सकते हैं या फिर उनकी बुक्स रख सकती हैं, और नीचे यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ यहाँ पे आप उनके कपड़े इजीली हैंग कर सकते हैं सो दैट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। और या फिर अगर उनके टॉयज हैं तो आपको इसके नीचे भी यहाँ पे कपड़े रखने के बाद भी बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे बच जाता है, अगर चाहे तो वहाँ पे उनके टॉयज भी रख सकते हैं। आपका जो मन करे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अगर इसको लेकर जाना चाहते हैं तो आप अपनी अलमीरा अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इस बात की भी आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कवाची की सिंगल डोर पोर्टेबल अलमीरा। कवाची की ये सिंगल डोर पोर्टेबल अलमीरा असेंबल करना बहुत ही आसान है। पहले हम 2 नंबर की 1 पाइप लेंगे और एक बेस पीट लेंगे और इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद हम एक 3 नंबर की पाइप लेंगे और उसको इस तरीके से अटैच करेंगे। अब हम इसके चारों तरफ ये 1 नंबर की पाइप यहाँ पे अटैच करेंगे। सारे डॉट्स पे नंबर दिए हुए हैं और आपके बॉक्स के पीछे पूरी डिटेल्स दी हुई है। अब इसके बाद जो 5 नंबर की पाइप है हम यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर हम लेंगे 3 नंबर की जो रॉड्स हैं हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। और उसके बाद हम ये 2 नंबर की 2 पाइप लेंगे और फिर हम लेंगे हमारे पास ये जो रेटरी क्लॉथ है, अब ये जो 2 नंबर की पाइप है इसको हम इस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। तो आपका शेल्फ रेडी है। अब इसके बाद जो 7 नंबर की रॉड हमारे पास है तो हम इन हुक्स को इसमें अटैच करेंगे, शेल्फ के नीचे से हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। उसके बाद 4 नंबर की रॉड्स को इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। और जो हमारे पास ये टी जॉइंट्स है हम इन टी जॉइंट्स को यहाँ पे अटैच कर देंगे। और फिर उसके बाद जो ये 2 नंबर की पाइप्स है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब इसका जो आउटर कवर है इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। कवाची सिंगल डोर पोर्टेबल क्वालिटी वार्डरोब।